अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे लैटरल फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो, और प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था सिफेलोकॉडल फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो। सो उस वीडियो को भी पहले आप ज़रूर देख लें ताकि आपको इस वीडियो की एक कंटिन्यूएशन मिल सके। और ये सेकंड वीडियो होगी हमारी जीआईटी की, एम्ब्रियोलॉजी की। बेसिकली जीआईटी की डेवलपमेंट को समझने के लिए हमें ये पहले पता होना चाहिए कि एम्ब्रियो की फोल्डिंग किस तरीके से होती है और कैसे प्रिमिटिव गट और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन हो रही होती है। तो पहले हम फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो को डिस्कस कर रहे हैं और उसके बाद नेक्स्ट वीडियोज़ में हम डेवलपमेंट ऑफ जीआईटी को कंटिन्यू करेंगे। आप फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो को इस तरीके से समझ सकते हैं कि फॉर सपोज़ ये हमारे पास एक फ्लैट एम्ब्रियो है, ठीक है, जिसकी ये क्रेनियल साइड है, ये कॉडल साइड है। ये क्रेनियल साइड से इस तरीके से यहाँ से यूँ फोल्डिंग हो गई, इसे हमने कह दिया सिफेलिक फोल्डिंग, ठीक है। ये टेल साइड है, ठीक है, ये हेड साइड थी, ये टेल साइड है। टेल साइड इस तरीके से यूँ फोल्ड हुई, इसे हमने कह दिया कॉडल फोल्डिंग। तो ये जो हमने फोल्डिंग देखी सिफेलो कॉडल फोल्डिंग, ठीक है, तो इसे हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। अब लैटरल फोल्डिंग क्या है कि साइड वाइज फोल्डिंग, ठीक है, साइड से जब एम्ब्रियो फोल्ड होता है साइड वाइज से लेटरली, तो उसे हम कहते हैं लेटरल फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। आप इसे इमेजिन कर सकते हैं ये एम्ब्रियो है और ये साइड वाइज से, ठीक है, ये इस तरीके से साइड से फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। आप देखें ये साइड से इस तरीके से फोल्ड हो रहा है, टेल साइड फोल्ड हो गई, हेड साइड फोल्ड हो गई। अब ये साइड से जो फोल्डिंग हो रही है इसे हम बेसिकली कहते हैं लेटरल फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो, और उसे अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दूं कि हमने सिफेलोकॉडल फोल्डिंग में हमने क्या डिस्कस किया था। सिफेलोकॉडल फोल्डिंग में अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास एमनियोटिक कैविटी है। इस एमनियोटिक कैविटी ने पूरे एम्ब्रियो को सिफेलोकॉडली इस तरीके से बिल्कुल सराउंड कर लिया है, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पर हमारे पास जो एम्ब्रियो है हमारा, उसमें जो फोल्डिंग हो रही है क्रेनियल साइड पर और सिफेलिक साइड पर, ठीक है, सिफेलोकॉडल फोल्डिंग, उसके साथ साथ जो एमनियोटिक कैविटी है वो भी इनलार्ज होती रही है और उसने पूरे एम्ब्रियो को इस तरीके से सराउंड कर लिया है सिफेलोकॉडल फोल्डिंग के बाद, और पूरा जो एम्ब्रियो है वो बिल्कुल फ्लॉट कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल तैर रहा है इन द एमनियोटिक कैविटी के अंदर, ठीक है। एमनियोटिक कैविटी ने इस तरीके से बिल्कुल सराउंड कर लिया है एम्ब्रियो को, ठीक है। और ये एमनियोटिक कैविटी आ गई, ये हमारे पास बेसिकली एक्टोडर्म है, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे पास न्यूरल ट्यूब है, ठीक है, न्यूरल ट्यूब, ये ब्रेन की वेसिकल्स बन गई हैं, प्रोजन सेफलॉन, मीजन सेफलॉन, रोमन सेफलॉन, जहाँ से ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही है। और ये न्यूरल ट्यूब एक मेजर फैक्टर है जो कि फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो करवा रहा होता है, ठीक है। यहाँ पर देखें आप क्रेनियल साइड के ऊपर, हेड साइड के ऊपर ये वेसिकल्स डेवलप होती हैं इन द न्यूरल ट्यूब, और अभी एम्ब्रियो की इतनी जल्दी डेवलपमेंट नहीं हो रही होती, लेकिन जो न्यूरल ट्यूब होती है वो बहुत रैपिड तरीके से ग्रो करती है, जिसकी वजह से क्रेनियोकॉर्डल फोल्डिंग हो जाती है एम्ब्रियो की, ठीक है। तो न्यूरल ट्यूब एक मेजर फैक्टर है फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो के अंदर, ठीक है। और यहीं पे हमें मीजोडर्म मिल जाएगी, ठीक है, यहीं पे नोटोकॉर्ड भी होगा, ठीक है, इस एरिया में। उसके बाद ये हमारे पास बेसिकली ये एंडोडर्म और बाकी कुछ पार्ट हमारे पास यॉर्क सैक का। जब इस तरीके से बिल्कुल फोल्डिंग होती है, ठीक है, तो ये जो यॉर्क सैक होता है इसका कुछ पार्ट इनकॉर्पोरेट हो जाता है सिफेलोकॉडल फोल्डिंग के अंदर इनसाइड द एम्ब्रियो, ठीक है। जब सिफेलोकॉडल फोल्डिंग होती है तो यॉर्क सैक का कुछ पार्ट इनकॉर्पोरेट हो जाता है इनसाइड द एम्ब्रियो और कुछ पार्ट बाहर रह जाता है। तो ये वाला पार्ट जो इनकॉर्पोरेट हो गया इनसाइड द एम्ब्रियो, इस पार्ट को हम कहते हैं प्रिमिटिव गट। तो ऐसे प्रिमिटिव गट की फॉर्मेशन होती है, और ये वाला पार्ट जो आउटसाइड रह जाता है इसे हम कहते हैं उम्बिलिकल वेसिकल, ठीक है, उम्बिलिकल वेसिकल। और इन दोनों पार्ट को ये जो एक डक्ट कनेक्ट करती है, ठीक है, तो इनसाइड जो पार्ट रह गया यॉर्क सैक का उसे हमने कहा प्रिमिटिव गट, आउटसाइड जो रह गया उसे हमने कहा उम्बिलिकल वेसिकल। इन दोनों पार्ट्स को जो एक डक्ट है वो कनेक्ट कर रही है उसे हम कहते हैं वाइटिलो इंटेस्टाइनल डक्ट। तो ये हमारे पास आ जाती है वाइटिलो इंटेस्टाइनल डक्ट, जो कि इन दोनों पार्ट्स को कनेक्ट कर रही है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं तो ये हमारे पास जो एक्टोडर्म के अंदर एक पिट बनती है इसे हम कहते हैं स्ट्रोमोडियम। ये सिफेलिक साइड पे, कॉडल साइड पे जो एक पिट बनती है एक्टोडर्म में इसे हम कहते हैं प्रोक्टोडियम, ठीक है। स्ट्रोमोडियम और प्रोक्टोडियम, ये हमारे पास है बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन और ये हमारे पास है क्लोकल मेम्ब्रेन। इस सब को हमने डिस्कस किया था सिफेलोकॉडल फोल्डिंग में। यहाँ पे मैं एक और पॉइंट आपको बता दूं कि ड्यूरिंग द फिफ्थ वीक क्या होता है, ये जो बक्को फेरेंजियल मेम्ब्रेन है ये भी रप्चर हो जाती है,
और जो क्लोकल मेम्ब्रेन है ये भी रप्चर हो जाती है। अब क्या होता है, यहाँ से जो एमनियोटिक कैविटी के अंदर जो एमनियोटिक फ्लूड है, वो एमनियोटिक फ्लूड इस तरीके से फ्लो करता है इनसाइड द गट, ठीक है, एम्ब्रियो के अंदर फ्लो करता है, और यहाँ से ये जो क्लोकल मेम्ब्रेन रप्चर होती है, यहाँ से ये दोबारा से एमनियोटिक कैविटी के अंदर आ जाता है एज अ यूरिन, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूड यहाँ से पास होता है, ठीक है, एम्ब्रियो के अंदर, और फिर यहाँ से गट से बाहर आ जाता है क्लोकल मेम्ब्रेन के जरिए एज अ यूरिन ऑफ एम्ब्रियो, और दोबारा से एमनियोटिक फ्लूड में शामिल हो जाता है। तो ये सब को हमने डिस्कस किया था ड्यूरिंग द सिफेलोकॉडल फोल्डिंग को। अब हम दोबारा से अगर देखें, अगर हम एक सेक्शन लेते हैं एम्ब्रियो का आफ्टर द थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट, जब थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट कम्प्लीट होता है, तो उस लेवल के ऊपर अगर हम एक सेक्शन लेते हैं, तो हमें पता है कि अभी एम्ब्रियो एक ट्राइलेमिनार जर्म डिस्क है। तीन लेयर्स ऑफ एम्ब्रियो बन चुकी हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, ये हमारे पास है एमनियोटिक कैविटी ऊपर, ये हमारे पास यॉक सैक, ये एंडोडर्म, ये एक्टोडर्म ऊपर, ये हमारे पास है नोटोकॉर्ड, ठीक है। नोटोकॉर्ड आपको पता है एज अ मोल्ड काम करता है, इसके अराउंड पे वर्टिब्रल कॉलम डेवलप हो जाता है, और जब वर्टिब्रल कॉलम डेवलप हो जाता है तो ये डीजनरेट हो जाता है, हमारे पास जो नोटोकॉर्ड है वो डीजनरेट हो जाता है। और ये हमारे पास है दोनों साइड पे इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, ठीक है। तो ये इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है। अब यहाँ पे आपने नोट करना है, जो इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है, आफ्टर द थर्ड वीक क्या होता है, इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म तीन टाइप्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। किस तरीके से, यहाँ मैंने ड्रॉ किया इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है ये पूरी, लेकिन आफ्टर द थर्ड वीक इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म तीन टाइप्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, ठीक है। इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म के ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं। तो ये तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। नोटोकॉर्ड के बिल्कुल साथ वाला जो पार्ट होता है इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म का, ये वाला, इसे हम कहते हैं पैरेक्सियल मीजोडर्म, पैरेक्सियल मीजोडर्म। उसके बाद ये जो मिड के अंदर पार्ट होगा ये वाला, इसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट मीजोडर्म, और ये लास्ट में जो पार्ट है इसे हम कहते हैं लेटरल प्लेट मीजोडर्म, ठीक है। पैरेक्सियल मीजोडर्म, इंटरमीडिएट मीजोडर्म, और जो मोस्ट लेटरली पार्ट रह गया इसे हमने कह दिया ये वाला हमारे पास लेटरल प्लेट मीजोडर्म। तो इस तरीके से हम तीन पार्ट, तीन में डिवाइड कर देते हैं इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म को। ये जो पैरेक्सियल मीजोडर्म होती है, बेसिकली ये सोमाइट्स की फॉर्मेशन कराती है, आपको पता है, ड्यूरिंग द 20 डे और से लेकर 30 डे, 20 डे ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ से लेकर 30 डे ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ तक सोमाइट्स की फॉर्मेशन होती है फ्रॉम द पैरेक्सियल मीजोडर्म, और 44 पेयर ऑफ सोमाइट्स बनते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम द पैरेक्सियल मीजोडर्म, इंटरमीडिएट मीजोडर्म से भी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की डेवलपमेंट होती है, और लेटरल प्लेट मीजोडर्म को हम यहाँ पर फोकस करेंगे। बेसिकली क्या होता है कि लेटरल प्लेट मीजोडर्म के अंदर स्मॉल स्पेसेस डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, छोटी छोटी स्पेसेस डेवलप होना शुरू हो जाती हैं इन द लेटरल प्लेट मीजोडर्म, ठीक है। इस तरीके से फॉर सपोज करें आप, छोटी छोटी स्पेसेस डेवलप हुई, वो स्पेसेस आपस में मिलती हैं और एक लार्जर कैविटी बना देती हैं, ठीक है। तो आप इस पिक्चर पर भी फोकस करें, ये हमारे पास, ठीक है, पैरेक्सियल मीजोडर्म, और ये हमारे पास इंटरमीडिएट मीजोडर्म, और ये हमारे पास लेटरल प्लेट मीजोडर्म। लेटरल प्लेट मीजोडर्म के अंदर आपने देखा कि बहुत सारी स्पेसेस डेवलप हो गई, वो स्पेसेस कॉलीज हो गई, आपस में मिल गई, उन स्पेसेस मिलने की वजह से एक लार्जर कैविटी बन गई। इस लार्जर कैविटी को हम कहते हैं इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम, इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम, ठीक है। तो ये एक लार्जर कैविटी बन जाती है, इस लार्जर कैविटी को हम कहते हैं इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। और अगर आपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट को मेरी वीडियोस देखी हैं, तो आपको ये पता होगा कि आउटर के ऊपर एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम भी होती है। मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, इस वाली डायग्राम में ये एम्ब्रियो है, इस एम्ब्रियो के आउटर साइड के ऊपर यहाँ पर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म डेवलप हो जाती है, ठीक है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म के अंदर भी छोटी छोटी स्पेसेस डेवलप होती हैं, वो स्पेसेस मिलती हैं और एक लार्जर कैविटी बना देती हैं। तो अराउंड द एम्ब्रियो हमारे पास एक स्पेस बन जाती है, कैविटी बन जाती है, इस कैविटी को हम कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम, ठीक है। और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम के आउटर के ऊपर कॉरियन और ट्रोफोब्लास्ट की लेयर होती हैं, जो कि बेसिकली आपको पता है ट्रोफोब्लास्टिक लेयर्स हैं, उनसे प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होती है, फीटल साइड की तरफ जो प्लेसेंटा होगा उसकी फॉर्मेशन होती है इस आउटर कॉरियनिक और ट्रोफोब्लास्टिक लेयर से, ठीक है। तो ये आपको यहाँ तक क्लियर है। तो अब जब यहाँ पर स्पेसेस डेवलप हो जाएंगी,
ठीक है, लेटरल प्लेट मेसोडर्म में इस तरीके से स्पेसिस डेवलप हुई, तो ये जो इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम है ये फ्रीली कम्युनिकेट करना शुरू कर देती है विद द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। ठीक है, सिंपल है, ये जो इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम हमें दोनों साइड मिली है, अब ये फ्रीली कम्युनिकेट कर रही है आउटसाइड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम के साथ। ठीक है, और इस सीलोम के बनने की वजह से जो लेटरल प्लेट मेसोडर्म है वो दो टाइप्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। ठीक है, वो दो टाइप्स के अंदर डिवाइड हो रही है। ये जो ऊपर वाली साइड की जो मेसोडर्म होती है ये बेसिकली सराउंड करती है एमनियोटिक कैविटी को। ठीक है, ये जो ऊपर वाली लेटरल प्लेट मेसोडर्म है ये सराउंड करती है एमनियोटिक कैविटी को, और इसे हम कहते हैं सोमैटो प्लूरिक। ठीक है, सोमैटो प्लूरिक इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ठीक है, मैं आईएम लिख रहा हूँ। और ये जो नीचे की साइड पे होती है लेटरल प्लेट मेसोडर्म जो कि यॉर्क सैक को, ये यॉर्क सैक है, तो यॉर्क सैक को जो सराउंड करेगी उसे हम कहते हैं स्प्लांचो प्लूरिक, स्प्लांचो प्लूरिक। ठीक है, जो एमनियोटिक कैविटी को सराउंड कर रही है उसे हम कहते हैं बेसिकली सोमैटो प्लूरिक, और जो यॉर्क सैक को सराउंड करेगी उसे हम कहते हैं स्प्लांचो प्लूरिक इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। और इसी तरीके से हमने एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म को भी, अगर आपको याद हो, उसको भी हमने इसी तरीके से डिवाइड किया था। तो ये हमारे पास आगे सोमैटो प्लूरिक और स्प्लांचो प्लूरिक, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब अगर हम एक क्रोनल सेक्शन लेते हैं एम्ब्रियो का इस लेवल के ऊपर, क्रोनल सेक्शन मैंने आपको पहले भी बताया, फॉर सपोज ये एम्ब्रियो एक लेंथ वाइज एम्ब्रियो है, इस एम्ब्रियो को यहाँ से अगर मैं कट कर दूँ तो एम्ब्रियो का एक एंटीरियर पार्ट बन जाएगा, एक पोस्टीरियर पार्ट बन जाएगा। तो ये वाला जो सेक्शन होता है इस सेक्शन को हम कहते हैं क्रोनल सेक्शन। तो एक क्रोनल सेक्शन लिया मैंने ऐसे एम्ब्रियो का, और उसको सामने से अगर हम व्यू करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर नज़र आएंगे। ठीक है, ये देखेंगे बिल्कुल लेटरल फोल्डिंग स्टार्ट हुई है, अभी पूरी नहीं हुई है। ठीक है, तो ये हमारे पास है एमनियोटिक कैविटी जो कि लेटरली भी एम्ब्रियो को बिल्कुल सराउंड करने की कोशिश कर रही है, ये एमनियोटिक कैविटी है। अच्छा, एक और पॉइंट बता दूं कि लेटरल फोल्डिंग हो रही क्यों है, बेसिकली क्या है, ये जो पैरेक्सियल मेसोडर्म है मैंने आपको बताया, इससे सोमाइट्स की डेवलपमेंट हो रही है, और स्पाइनल कॉर्ड, ये जो न्यूरल ट्यूब से स्पाइनल कॉर्ड है यहाँ, ये जो न्यूरल ट्यूब का ये लास्ट वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, ये वेसिकल से पीछे का जो पार्ट है ये स्पाइनल कॉर्ड की फॉर्मेशन करा रहा है, तो स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट हो रही है। और ठीक है, अगर मैं आपको सिंपल बताऊं, यहाँ पे बेसिकली नोटोकॉर्ड है फॉर सपोज करें आप, ठीक है, यहाँ पे न्यूरल ट्यूब है और इस नोटोकॉर्ड के सराउंड पे सोमाइट्स प्रेजेंट होते हैं। तो न्यूरल, जब स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट हो रही है और साइड के अंदर सोमाइट्स भी डेवलप हो रहे हैं, तो एक यहाँ पे फोर्स बनती है, एक मेजर फैक्टर बनता है जो कि एम्ब्रियो की लेटरल फोल्डिंग करवाता है। तो डेवलपमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड सोमाइट्स की वजह से लेटरल फोल्डिंग होती है एम्ब्रियो की, तो लेटरल फोल्डिंग स्टार्ट हो गई है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये है हमारे पास एमनियोटिक कैविटी, ठीक है, और ये हमारे पास है वर्टीब्रा, तो वर्टीब्रल कॉलम डेवलप हो रहा है, तो नोटोकॉर्ड डीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एमनियोटिक कैविटी हो गई, ये वर्टीब्रा आ गया, और ये हमारे पास आ गया प्रिमिटिव गट। ठीक है, यहाँ मैंने आपको दिखाया था, तो ये हमारे पास क्रोनल सेक्शन है, और ये हमारे पास लेंथ वाइज सेक्शन है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लेंथ वाइज हमने एम्ब्रियो को कट किया हुआ है, और ये क्रोनल सेक्शन है। तो क्रोनल सेक्शन में आप देख सकेंगे ये प्रिमिटिव गट है इनसाइड, और ये हमारे पास है उम्बिलिकल वेसिकल, और प्रिमिटिव गट को और उम्बिलिकल वेसिकल को जो कनेक्ट कर रहा है वाइटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट, ये हमारे पास है वाइटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रेड में मैंने ड्रॉ किया है ये है हमारे पास इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ठीक है, पैरेक्सियल मेसोडर्म तो आपको पता लग गया, इससे सोमाइट्स की डेवलपमेंट हो जाएगी। ठीक है, बाकी जो इंटरमीडिएट मेसोडर्म है ये हमारे पास है इंटरमीडिएट मेसोडर्म, ये सराउंड कर रही है जो ये राउंड राउंड दोनों साइड पर, ये हमारे पास इंटरमीडिएट मेसोडर्म, और उसके बाद की जो मेसोडर्म आपको नज़र आ रही है रेड के अंदर, ये है हमारे पास लेटरल प्लेट मेसोडर्म। ठीक है, तो यहाँ लेटरल प्लेट मेसोडर्म को हमने डिस्कस किया, लेटरल प्लेट मेसोडर्म का वो वाला पार्ट जो कि एमनियोटिक कैविटी को सराउंड करेगा उसे हमने कहा था दिस इज सोमैटो प्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियो, सोमैटो प्लूरिक इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। तो एमनियोटिक कैविटी को सराउंड कौन सा कर रहा है, ये, तो ये हमारे पास सोमैटो प्लूरिक, ठीक है, सोमैटो प्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, और यॉर्क सैक को जो सराउंड करेगा उसे हमने कहा था स्प्लांचो प्लूरिक इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। तो ये यॉर्क सैक का यॉर्क सैक है, ठीक है, ये जो यॉर्क प्रिमिटिव गट को और उम्बिलिकल वेसिकल को जो सराउंड कर रही है यहाँ पे, ये हमारे पास है स्प्लांचो प्लूरिक
इंट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। तो आई होप आपको इस इमेज डायग्राम से यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा, स्प्लांचोप्लूरिक एंड सोमैटोप्लूरिक इंट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। तो अभी लेटरल फोल्डिंग नहीं हुई है और अभी ये कनेक्शन भी है बिटवीन द प्रिमिटिव गट और उम्बिलिकल वेसिकल। जब लेटरल फोल्डिंग कंप्लीट हो जाती है तो ये कनेक्शन बेसिकली ख़त्म हो जाता है प्रिमिटिव गट का और उम्बिलिकल वेसिकल का, और जो वाइटिलो इंटेस्टाइनल डक्ट है वो डीजनरेट हो जाती है। तो ये वाली जो डायग्राम है इसमें हम देख सकते हैं कि अभी लेटरल फोल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो एमनियोटिक कैविटी ने कम्प्लीटली लेटरली सराउंड कर लिया है, ठीक है, एक हमारे एम्ब्रियो को। तो पूरा एम्ब्रियो इस वक्त फ्लॉट कर रहा है इनसाइड द ठीक है, इस पूरे एमनियोटिक कैविटी के अंदर, ठीक है, फ्लॉट कर रहा है। और आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारे पास इंटरमीडिएट मेसोडर्म, ठीक है, ये हमारे पास सोमैटो एमनियोटिक कैविटी को सराउंड कर रही है, तो ये सोमैटोप्लूरिक, और ये प्रिमिटिव गट को सराउंड कर रही है, दूसरी से स्प्लांचोप्लूरिक इंट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। तो ये आ गया, ये हमारे पास प्रिमिटिव गट है, ठीक है, प्रिमिटिव गट, और ये रेमेंट है उम्बिलिकल यॉर्क सैक का। तो उम्बिलिकल वेसिकल, तो उम्बिलिकल वेसिकल आउटसाइड एम्ब्रियो हो गई है, बिल्कुल ज़्यादा फोल्डिंग हो गई है, तो ये ख़त्म, और ये जो डक्ट थी ये डीजनरेट हो गई है, वाइटिलो इंटेस्टाइनल डक्ट अब डीजनरेट हो चुकी है, ठीक है। और ये एक लार्जर कैविटी बन गई है जिसे मैंने कहा था इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम, और इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम का जो कनेक्शन था एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम के साथ वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है जब लेटरल फोल्डिंग कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो कनेक्शन ख़त्म हो गया और एक लार्जर कैविटी बन गई है जिसे हम कह रहे हैं इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, तो ये वर्टिब्रा पोस्टीरियर साइड के ऊपर जो मेसोडर्म है वो मॉडिफाई हो जाती है और मेसेंट्री की फॉर्मेशन कराती है। जीआईडी के अंदर आप मेसेंट्री को डिस्कस करेंगे, मेसेंट्री क्या होता है। फॉर सपोज़ ये हमारे पास प्रिमिटिव गट है, प्रिमिटिव गट को इस तरीके से एम्ब्रियो ने सराउंड किया, पोस्टीरियर साइड के ऊपर जो मेसोडर्म होती है वो नैरो होकर जो प्रिमिटिव गट है इसको पोस्टीरियर वॉल है जो बॉडी की उसके साथ कनेक्ट कर रही होती है। तो नैरो जो पार्ट होता है जो पोस्टीरियर वॉल के साथ कनेक्ट कर रहा है प्रिमिटिव गट को, उसे हम कहते हैं मेसेंट्री। और इस मेसेंट्री से जो ब्लड वेसल्स हैं वो इंटर करती हैं और प्रिमिटिव जो गट है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मेसेंट्री। तो ये मेसेंट्री बन गई और यहाँ पर ये डॉर्सल ऑर्टा है, ठीक है, डॉर्सल ऑर्टा, और इस डॉर्सल ऑर्टा से जो आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, आर्टरीज हैं वो यहाँ पर आ रही हैं और प्रिमिटिव गट को नरिश कर रही हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही हैं। सो इस तरीके से यहाँ पर ये हमने देखा, तो ये कंप्लीट हो गई है। और ये जो पॉइंट ऑफ मीटिंग होता है एमनियोटिक कैविटी यहाँ जो आके मिल रही होती है, ये बेसिकली पॉइंट होता है फ्यूचर उम्बिलिकस का, ठीक है, फ्यूचर उम्बिलिकस का। और एमनियोटिक कैविटी ने पूरा सराउंड कर लिया है अभी इस वक्त हमारे एम्ब्रियो को लेटरल साइड के ऊपर भी, और एम्ब्रियो इस वक्त कम्प्लीटली फ्लॉट कर रहा है इनसाइड द एमनियोटिक कैविटी। लास्ट पॉइंट यहाँ पर क्या है कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ एम्ब्रियो के आउटर के ऊपर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम अभी प्रेजेंट होती है, ठीक है, और उसके बाहर की तरफ कॉरियन और ट्रोफोब्लास्टिक लेयर है। जब फोल्डिंग कम्प्लीट हो जाती है तो एम्नियोटिक कैविटी साइज़ में इंक्रीज़ होती है थोड़ा सा। उस इंक्रीज़ की वजह से क्या होता है कि जो एम्नियोटिक कैविटी है वो डायरेक्ट जाकर मिल जाती है विद द ट्रोफोब्लास्टिक, जो कॉरियन के लेयर होती हैं जो प्लेसेंटा की फॉर्म करा रही होती हैं, ये डायरेक्ट उसके साथ मिल जाती है और आउटर के ऊपर जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम होती है वो डिसअपेयर हो जाती है, ठीक है, ये बड़ी होगी और डायरेक्ट बाहर वाली लेयर से मिल जाएगी। तो बीच की जो सिलोम है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम वो डिसअपेयर हो जाएगी, सिंपल इज दैट। तो इस तरीके से हमारे पास फोल्डिंग होती है, लेटरल फोल्डिंग ऑफ द एम्ब्रियो। आई होप आपको ये समझ आया होगा लेक्चर, और प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने सेफेलोकॉर्डल फोल्डिंग किया था, उसे भी देखें, देख लें आप, इसको भी देख लें। तो आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे लेटरल जो फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो के। अगर कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डेरिवेटिव्स ऑफ द जो गट से डेरिवेटिव्स होंगे मिड गट, फोर गट और हैंड गट के, और फिर हम डेवलपमेंट ऑफ स्टमक एंड ऑल डैट उसको हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।